दोस्तों, मौजूदा दौर के बदलावों को देखते हुए कई बार आप सोचते होंगे कि आने वाले वक्त में कितना बदलाव आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सही सोच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2050 तक आते आते दुनिया हमारी कल्पना से कहीं आगे चली जाएगी। बेशक विज्ञान तरक्की करता चला जा रहा है, आइए हम नजर डालते हैं आने वाली दुनिया पर। दोस्तों, आने वाले वक्त में पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जाएगा, जो हम और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला देगा। टेक्नोलॉजी नए नए आयाम स्थापित करेगी। दोस्तों, ये नई आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि हम हजारों मील दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर पाते हैं। हमारा डाटा कितनी आसानी से इधर से उधर हो जाता है। हवा में उड़ान इंसान के लिए कभी कल्पना ही तो था, जो आज सच बन चुका है। 2050 तक ऐसी कारें चलने लगेंगी जिन्हें आप सिर्फ अपनी लोकेशन बताएंगे और वो स्मार्ट कार आपको अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देगी। 2050 तक आप आसमान में वाहनों की कतारें देखेंगे। यातायात की दुनिया में भारी भरकम बदलाव होंगे। हवाओं में ट्रैफिक जाम लगेंगे। रेल यात्राएं बहुत गतिशील हो जाएंगी। मेट्रो ट्रेन की जगह हाइपर लूप ट्रेन ले लेंगी, जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कवर करेगी। इस तरह की तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं। आप ऐसी ट्रेन पर सफर करना चाहेंगे? इधर भविष्य को ध्यान में रखते हुए चाइना ने एक हवाई बस तैयार करने का मन बना लिया है, जो डिजाइन की जा चुकी है। ये सड़क के ऊपर चलने वाली उड़न तश्तरी सरीख ही होगी। ये ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक तहलका साबित होगी। ये जमीन से 13 फुट ऊपर दौड़ेगी और ट्रैफिक जाम की दिक्कत को बखूबी समझेगी। इस बस को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके आर्किटेक्ट का कहना है कि इस पर लगभग $74.5 मिलियन का खर्च आएगा। दोस्तों, दुनिया भर के आंकड़े कहते हैं कि 600 लाख से ज्यादा लोग आज भी गांव में बिना बिजली के रहते हैं। इसी वजह से उन तक इंटरनेट सेवा नहीं पहुंच पाती। 2020 तक भारत के हर गांव में इंटरनेट की सेवा आम बात हो जाएगी। सभी घरेलू चीजें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। गैस से चलने वाले वाहन भी बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तूती बजेगी। मोबाइल वाईफाई से आप सेल्फ ड्राइविंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। गूगल जैसी बड़ी कंपनी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च कर देगी। अजीब बात यह होगी कि 2050 की दुनिया आर्टिफिशियल शारीरिक संबंध बनाने लगेगी, जिससे रेप जैसी सामाजिक कुरीति पर विराम लग जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल खत्म हो जाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए मंगल ग्रह पर जीवन के आसार ढूंढे गए हैं। साथ ही मंगल ग्रह पर लोगों को भेजने की तैयारी भी कर ली जाएगी। हर चीज में भारी भरकम बदलाव आएंगे। जबकि 2038 में जनसंख्या बढ़कर 9 बिलियन तक हो जाएगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2050 की दुनिया में आपके हिसाब से और क्या क्या बदलाव होंगे। क्या ये बदलाव हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे? क्या 2050 की तरक्कियों के कुछ साइड इफेक्ट होंगे? क्या इन सपनों के सच में कोई संवेदना बाकी बचेगी? मशीनी जिंदगी 2050 में हमें कितनी रास आएगी? कमेंट कीजिएगा और सन 2050 की दुनिया पर अपने ख्यालातों से हमें वाकिफ तो करवाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।